वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू रेड लेवल का, जॉनी वॉकर रेड लेवल, इंडियाज रिचेस्ट पीपल व्हिस्की। हम लोग सब जानते हैं कि जो बड़े आदमी होते हैं वो रेड लेवल पीते हैं, हालांकि आजकल सब पीते हैं, सब बड़े आदमी बन चुके हैं। आज करेंगे उसका ही अनबॉक्सिंग, उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये जो रेड लेवल बॉटल का शेप है वो रेक्टेंगुलर है, वो क्यों है, फिर रेड लेवल में कोई एज स्टेटमेंट तो होता नहीं है, फिर भी वो कितने साल का हो सकता है, और तो और उसमें किस किस्म का ब्लेंड है, पीते कैसे हैं, उसमें जो नोट्स हैं वो कैसा है, उसका जो आफ्टर टेस्ट है वो कैसा है, वो पैलेट में आपको कैसा एक्सपीरियंस दे सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो डटे रहिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बुरा मत मानिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ जॉनी वॉकर रेड लेवल व्हिस्की। वेलकम बैक। सो ये रहा रेड लेवल का बॉटल, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फैक्ट नंबर वन, जो ये बंदा चल रहा है, इसको बोलते हैं मिस्टर डैंडी, तो ये आपको दिख रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, मगर ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें देखिए कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है। ये जो लोगो है, पहले ये था नहीं ऐसा, ये पहले था ऐसा, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, जो पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही होता है, तो इसलिए इस लोगो को 1980 में इसको चेंज किया गया था, इस पर्टिकुलर लोगो को। और मालूम है ये लोगो कौन बनाया था, मैं वो भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। और भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि ये 43% अल्कोहल बाई वॉल्यूम और 75% प्रूफ है, और इसमें जो ब्लेंड है वो ज़्यादातर यंग व्हिस्की के साथ है, और ऐसे इसमें तो कोई एज स्टेटमेंट है नहीं, तो फिर भी हम लोग इसको कम से कम 3 साल पकड़ के चलेंगे, क्योंकि एज पर द स्कॉच लॉ, अगर कोई कंपनी व्हिस्की सेल करता है तो कम से कम 3 साल का एज स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, जो 3 साल रखते हुए उसके बाद वो सेल कर सकता है। तो मैं पकड़ लूँगा कि ये कम से कम 3 साल है, यानी यंगेस्ट व्हिस्की जो है इसमें 3 साल पुराना है, और इससे नीचे नहीं जाएगा। और इसमें काफ़ी सारे मॉल्ट व्हिस्की का मिश्रण है, ये एक्चुअली तो ब्लेंडेड व्हिस्की है, और आप लोगों को मालूम चल चुका है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ ब्लेंडेड व्हिस्की, कि ये कंपनी जो खुद व्हिस्की बनाता है और बाकी काफ़ी सारे डिस्टिलियर से व्हिस्की खरीदता है और एक जगह का ब्लेंड करता है, और एज इट इज़ ऐसे ही फ्लेवर के साथ आपको व्हिस्की बना के देता है। तो ये है एक्चुअली ब्लेंडिंग प्रोसेस, और इसी से ये व्हिस्की बना है, तो ये एक ब्लेंडेड व्हिस्की है। और इसमें जो ब्लेंड है, जैसे काउलीला है, कार्दू है, तलिस्कर है, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सिंगल मॉल्ट व्हिस्की इसमें मिला हुआ है, मगर परसेंटेज ऑफ सिंगल मॉल्ट कितना है, कम से कम 15%, ये कंपनी खुद बोल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है ये 20% भी हो सकता है सिंगल मॉल्ट, तो इसका जो ब्लेंड है 20% सिंगल मॉल्ट और बाकी जो है वो रेगुलर व्हिस्की है। अब वो रेगुलर व्हिस्की का ब्लेंड कैसा है, जैसे कि पहले की, जैसे 80 से पहले जो व्हिस्की बनता था तब मोस्टली जो कॉर्न व्हिस्की को यूज़ किया जाता था, मगर आजकल जो है व्हीट व्हिस्की को प्रेफरेंस दिया जाता है, वो भी अनमॉल्टेड व्हिस्की को भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। तो इसका जो यूनिक ब्लेंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं उसको आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है और कैसा लग रहा है। साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग मैटर है, जो है इसका डिज़ाइन, बॉटल का डिज़ाइन। ये जो बॉटल का डिज़ाइन है ये स्क्वायर है, मैं अभी तक खोला नहीं, आपको मैं खोल के दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये जो स्क्वायर डिज़ाइन है, एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है, और इसी को बनाया गया था क्यों मालूम, क्योंकि ब्रेकेज कम हो, और जब पैकेजिंग होता था एक बॉक्स में तो बहुत सही तरीके से उसको पैकेजिंग भी किया जा सकता था। 1909 में स्पेशल ओल्ड हाईलैंड व्हिस्की का नाम को बदल कर रेड लेवल रखा गया था, एंड बोल्ड फ्लेवर एंड वर्सेटाइल कैरेक्टर के साथ ये एक यूनिक फ्लेवर डिलीवर करता है। आपको तो मालूम चल चुका है कि ये बेस्ट सेलिंग स्कॉच है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके साथ साथ ये
180 से भी ज्यादा कंट्री में दिखता है। यानी आप कहीं भी जाओ, वर्ल्ड की किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ये बॉटल दिख जाएगा, इतना पॉपुलर व्हिस्की ये है। तो जो मैं बोल रहा था कि जॉनी वॉकर रेड लेबल 30 से भी ज्यादा अवार्ड जीत चुका है, जहां पर 12 गोल्ड के साथ ये अलग ही जगह ले चुका है वर्ल्ड में। ड्यूरिंग द लॉन्च टाइम ऑफ जॉनी वॉकर रेड लेबल यानी 1909 का मैं बात कर रहा हूं, तब एक स्कॉटलैंड का एक यंग आर्टिस्ट टॉम ब्राउन एक ब्यूटीफुल लोगो डिजाइन करके विलियम टू और जॉर्ज को दिखाया था, एक स्ट्राइडिंग मैन का लोगो, और वो दोनों को बहुत ही अच्छा लगा, तो वो लोगो उन्होंने एडॉप्ट कर लिया जो रेड लेबल, और उसके रेड लेबल का जो नया नामकरण हुआ था उस टाइम पे, उसी के साथ उस लोगो को भी इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड में, जो आज सबसे फेमस लोगो के तौर पर जाना जाता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद काफ़ी है, अगर बकबक करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों मैं अभी चाहूँगा कि ये बॉटल को मैं ओपन करूँ और आपके सामने पोर भी करूँ, और उसका जो ओरिजिनल फैक्ट है जिसके लिए आप अब तक मेरा बकबक सुन रहे थे, वो मैं करके दिखाऊँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो यह है बॉक्स, यहाँ पर लिखा है जॉनी वॉकर रेड लेबल ब्लेंडेड स्कॉचेस की, और यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश्ड इन 1820 जॉनी वॉकर एंड सॉन्स जो करता है कंपनी, और ये डीआरजीओ के अंडर में भी सेल हो रहा है, और यहाँ पर 75 और 43% अल्कोहल लिखा हुआ है। और अगर पीछे की तरफ देखें तो आपको वही सेम चीज़ यहाँ पर कुछ हिस्ट्री लिखा है। हम हमेशा बोलना चाहेंगे कि जो हिस्ट्री है आपको पढ़ना चाहिए जब भी आपको मौका मिले, ये एक बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है एक बॉटल के साथ। तो ये रहा आपका राइट और ये लेफ्ट, और ये जो टॉप है डैंडी का एक फ़ोटो है, और जो साइन है कीप वॉकिंग, तो हम लोग अभी खोलेंगे उसकी को और आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग। ये रहा जॉनी वॉकर रेड लेबल, मैं सही कर देता हूँ, मैं आपको सुला देता हूँ तो आपको समझ में आएगा देखने में। तो ये है होल बॉटल जो 750 ml का एक बॉटल है, और इसका जो अल्कोहलिक परसेंट है जो भी लिखा है, और जो प्राइस का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा है वो है 2450 जो मार्केट में मिल रहा है, तो 2450 में ये मिल रहा है। तो ये मैं बोलूँगा वेस्ट बंगाल का प्राइस है, शायद आपका स्टेट में अलग हो सकता है। और ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, ये है आपका अनबॉक्सिंग, ये है बॉटल का स्ट्रक्चर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अभी इसको पोर करते हैं और पोर करके इसका आनंद उठाते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं इसको पोर करूँगा आपके, मैं देखूँगा कि इसका कलर कैसा है। तो चलिए पहले पोर कर लेते हैं। 60 मैं पोर करूँगा, और उसके लिए मैं जो बॉटल है अभी थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है। तो यह है एग्जैक्टली द कलर ऑफ द व्हिस्की, और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका क्लियर अम्बर कलर है, जैसे जॉनी वॉकर का ब्लैक जो है थोड़ा सा डार्क लगता है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेड लेवल थोड़ा सा हल्का लाइट है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये क्लियर अम्बर कलर है। तो चलिए पहले इसको नोस करते हैं, थोड़ा सा नोजिंग में कैसा है देख लेते हैं। अगर नोजिंग का बात करें तो मुझे ये पहले ही वेनिला एंड स्वीट लगा, और हिंट ऑफ फ्रेश एप्पल, थोड़ा सा पियर का, और स्पेसेज का जो स्पेसेज मॉल का जो फ्लेवर होता है वो भी मुझे लगा, और थोड़ा सा ओकी नोट्स भी है। तो ओवरऑल ऐसे ही कुछ फ्लेवर आ रहा है। अब इसमें अब थोड़ा टेस्टिंग करते हैं कि कैसा है ये टेस्टिंग नोट, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो लाइटली ऑयली माउथ फील है, और उसके साथ मुझे वो थोड़ा सा स्पाइसी हुआ, जैसे पेपर का जो फ्लेवर है, फ्लेवर्स ऑफ हनी वेनिला, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ओवरऑल इम्पैक्ट मैं बोलूँगा कि थोड़ा स्वीट लगा मुझे। आप अगर आप स्वीट विस्की की तरफ आपका ध्यान है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये विस्की ऑर्डर कर सकते हैं रेड लेबल। और आफ्टर टेस्ट जो है वो वेरी सोफिस्टिकेटेड स्मोकी नोट्स के साथ आफ्टर टेस्ट खत्म होता है। हालांकि जो माल्टेड विस्की का मिश्रण है वो आपको काफ़ी देर तक एक स्मोकी एहसास भी देता है, जो मैं बोलूँगा कि ये आपको आपका जो एक्सपीरियंस वो बहुत ही प्लेजेंट बना देता है। और ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि
आप मुझे लिखें कि आपको और कौन सा विस्की का रिव्यू देखना है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उस वीडियो को बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आएंगे एक नए कॉकटेल के साथ, मॉकटेल के साथ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।